So, ये तैयारी हो गई है पंजीरी के लड्डू इस बार मैं बनाने वाली हूँ लड्डुओं की, क्योंकि मैंने जो पिछली बार बनाई थी वो अब जाके ख़त्म हुई है। एंड अब मैं तो खाती हूँ, साथ में शोएब भी वो जो लड्डू हैं वो ले जाते हैं। एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, अंदर से आपको हेल्दी रखती है। तो वहाँ रिहर्सल्स के बीच में क्या होता है, उनको ज़्यादा हैवी कुछ खाने का मन नहीं करता, इसीलिए वो ये लड्डू जो है वो खा लेते हैं। तो एक या दिन में दो भी खा लेते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सही बनी रहती है। और आज फाइनली टाइम मिला है तो मैं थोड़ा सा ये कर रही हूँ। तो ये सारे हैं मेरे पास, और ये फ्लावर्स भी मैंने इसी के लिए मंगवाए थे, और यहाँ पे कुछ और फ्लावर्स भी हैं। तो ये सब मिला करके जो है ये वॉल पे लगाना है। हालांकि इस वक्त मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा, ये मुझे थोड़ा डल लग रहा है। आई थिंक इसकी जगह भी, पत्तों का साइज बहुत परफेक्ट है लेकिन इसकी जगह भी कुछ ग्रीन होना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ टू लुक वेरी वाइब्रेंट। तो इसमें मुझे पूरा दिन जाएगा। क्रिएटिव चीज़ों का ऐसे है कि आपका मन करना चाहिए, तो आज मेरा मन कर गया तो मैं यहाँ आ गई। पर देखती हूँ, ये ऐसे थोड़ा सेट करके रखूँगी, मैं स्टिक कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं शोएब को दिखाऊंगी, फिर उनसे पूछूंगी कि क्या करें, ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, उस हिसाब से जो है इसको रीडू करेंगे। ये धर्म दादा ने मुझे ला के दे दिया मेरा अजवाइन का पानी। सो यस, ये मैं अभी भी पीती हूँ रोज। धर्म दादा मुझे बना के दे देते हैं, इफ आई लाइक इट और नॉट तो वो मुझे पीना ही पड़ता है। ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद और ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और काफी लंबे समय के लिए रखना पड़ता है। यूजुअली ऐसा होता है कि आपको इंटरनली फील होता है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, आपकी एनर्जी लेवल वापस आ गई, आप सारा काम दोबारा से कर रहे हो, जो इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन इंटरनली आपकी बॉडी फिर भी हीलिंग प्रोसेस में होती है, तो हर चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सो अभी मैं खत्म करती हूँ अपना ये अजवाइन का पानी। और What's up, Shona? Only my babies just woken up. Shoy shoy कर रहे थे आप? आप शोई शोई कर रहे थे? इंगे अच्छे मूड में उठे हो? सबको हाय बोल दो। हाय। कहाँ तुम, वहां भी कैमरा चल रहा था, तुमको देखना है? हाँ, इतने चलाकू तुम। ओए, इधर देखो, इधर इधर देखो। तो ये मस्त सोया हुआ था और अभी उठ गया है, और ये देखिए, रुहान रुहान रुहान। सो मैंने सोचा कि पूरा वक्त तो मेरा निकल ही जाएगा काम वाम करने में, इसलिए थोड़ा सा वक्त निकाल के मैं थोड़ी चंपी कर लेती हूँ, है ना। अब क्या हो जाता है ना, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है, और हम सबके लिए इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि अपने लिए, अपना ख्याल रखने के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आपको क्विक सोल्यूशंस चाहिए होते हैं अपने हेयर केयर के लिए, हेयर फॉल के लिए, स्किन केयर के लिए, हर चीज के लिए। तो हेयर केयर का सोल्यूशन मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, और वो है ये, विच इज ट्राया। सो मैं आज ट्राया के इस स्कैल्प ऑयल से मस्त चंपी कर रही हूँ, और थोड़ी देर बाद जो है मैं नहाने चली जाऊंगी, और इससे मेरे बालों की स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, हेल्थ सब कुछ थोड़ा बेटर लगने लगेगा। आपको पता है ट्राया एज अ हेयर केयर ब्रांड इज वेरी वेल नोन, और कई सारे लोग इसे यूज करते हैं। और इनकी एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी, वो ये कि आपके रूट कॉज को जानने के बाद ही ये आपके हिसाब से आपको किट भेजते हैं। अब ऑब्वियसली हर किसी का रूट कॉज अलग ही होगा, इसी चीज को ध्यान में रख के ट्राया हर किसी के लिए एक अलग कस्टमाइज किट देता है। जैसे मेरे लिए ये भेजा है, ये ऑयल जो मैं लगा रही थी, ट्राया का स्कैल्प ऑयल, उसके बाद ये हेयर सीरम है, और ये है हेयर रास, विच इज अ डेली विटामिन टैबलेट। तो ये उन्होंने मेरे लिए सिर्फ मेरे हिसाब से कस्टमाइज करके दिया है। ये इनको पता कैसे लगता है, जब आप इनके प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने के लिए जाएंगे तो आपको ऑनलाइन एक फ्री हेयर टेस्ट लेना होगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ। सो ये है ट्राया की वेबसाइट, और यहां पे है टेक द हेयर टेस्ट। अब यहां आप अपना नाम डाल दीजिए, नेक्स्ट, फोन नंबर, उसके बाद आपकी हेयर हेल्थ के बारे में आपको सवाल किया जाएगा, आपके लाइफस्टाइल के बारे में, स्कैल्प असेसमेंट के बारे में, और ये सब कंप्लीट करने के बाद आपका रूट कॉज यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगा, और आपकी कस्टमाइज किट के साथ
आपको 1 month ऑफ फ्री डाइट प्लान भी मिलता है. और हाँ, इनका हेयर कोच आपकी हेल्प के लिए थ्रू आउट द जर्नी आपके साथ रहता है अगर कोई भी दिक्कत हो तो. इनके प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल है, डर्मैट बैक्ड अप भी है, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं. बस इनके ये जो प्रोडक्ट्स है ना, आपको 6 महीने एकदम कायदे से कंटिन्यूसली यूज करने हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स. आपका हेयर फॉल भी कम होगा और हेयर की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी. ऐसा क्लेम करते हैं ये कि 93% लोगों ने ट्राया के रिजल्ट्स खुद देखे हैं और 2.5 लाख से ज्यादा लोग ट्राया यूज कर रहे हैं. सो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप भी जाइए, अपना फ्री हेयर टेस्ट लीजिए और अपना कस्टमाइज किट ट्राई कीजिए. नानी को दिखाओ. अम्मा अम्मा पहली बार मिलेंगी रोहान से. अब नहीं मिलती. शाम को. शाम को मिली हूँ अच्छे से. शाम को रोहान बेटा, दादी चली गई थी बहुत दिन के लिए. बहुत खेलता है. कहाँ से आ गई थी. सलाम रोहान. कितने दिन से दादी की गोद में आया है. बोल कर बोलो. अम्मा कैसे हो. अच्छी आपका भरा भरा. देखो कौन आया. रोहान देखो कौन कौन. रात हो गई है और पूरा खाना रेडी है और आज ऑब्वियसली सब लोग ऊपर खाने आ रहे हैं. ट्रैवल करके पहले दिन आओ तो बहुत थकान होती है, बहुत ज्यादा. तो इसीलिए आज हमने खाना बनाया मिलके बनाया. और दिन में भी दादा ने दाल चावल बनाए थे. दादा दाल चावल बहुत ही बढ़िया बनाते हैं. तो आज हमने अचारी मटन बनाया. मैंने स्पेशली इसीलिए अचारी मटन बनाया क्योंकि अम्मा को अचारी मटन जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है. एक बार जब उन्होंने खाया था तो उन्होंने दोबारा मुझसे बनवाया था जब वो थी यहाँ पे कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगे. तो इसलिए आज मैंने अचारी मटन खास उनके लिए बनाया है. सब खाएंगे ऑब्वियसली. और दादा ने क्या बनाया. मिक्स वेजिटेबल. वाह. यस, ये और अचारी मटन का दम हो गया है. मैं अभी खोलने वाली हूँ और रोटी चावल सब एक्चुअली टेबल सज चुका है तो हम बस सबके आने का वेट कर रहे हैं. कैसा बना है. अच्छा बना है. ये आपके लिए बना है मैंने खास. आपको अचारी मटन पसंद है ना.
हो गया है अगला दिन। कल सबने एक साथ डिनर किया, बहुत मजा आया और उसके बाद खूब सारी गप्पे मारी क्योंकि अम्मी और इतने दिनों मौदाहा रह के आए हैं। और इस हड़बड़ी में और सबने रूहान के साथ बहुत मस्ती की कल, और कल रूहान भी बड़े अच्छे मूड में था तो सबने बहुत मस्ती की और सबने इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजे हैं रूहान के लिए मौदाहा से सब लोगों ने। और अम्मी सबसे क्यूट उसके लिए वो जो टोपी लेके आई है और वो पहन के वो इतना हैप्पी था। नॉर्मली जब वो बचपन में एक दो बार मैंने उसको एक टोपी ट्राई की थी लेकिन वो इतनी जोर से रोया था कि उसके बाद मैंने डर के मारे कभी टोपी नहीं ट्राई की। तो कल जब उसने अम्मी की लाई हुई टोपी पहन ली तो आज मैंने उसको ट्राई किया है। अभी सोते सोते मैंने टोपी पहनाई है, अभी देखते हैं जगता है तो पहने रहता है या नहीं। और अब मैं रेडी हो गई हूँ, बाहर निकलना है। आज मुझे जाना है मलिया के पास जस्ट ऐसे ही हेयर स्पा के लिए, मैनीक्योर पेडीक्योर के लिए। तो उससे पहले जो चीज मैं कल भूल गई वो आज कर लेते हैं। मैं क्या भूल गई, मैं अम्मी को उनका गिफ्ट देना भूल गई जो मैंने लिया था जब मैं मम्मी के साथ तनिष्क गई थी। सो चलिए वो गिफ्ट उनको देते हैं और फिर निकलते हैं बाहर। चलो चले। सो गए बेटा, अभी हम मुस्कान लगा के आने वाले थे, खिलाने खिलाने कल ना हम सब बातों में गुम हो गए और मैं आपको आपका गिफ्ट देना भूल गई। ये लो आपका गिफ्ट, बताओ अच्छा लगा कि नहीं। अच्छा मैं तो इसको करेगी तो पकड़ हां लाइन ले देखो बेटी। हाँ अच्छा लग रहा है, डिजाइन भी बहुत अच्छी है। ज्यादा ऐसा लिया कि आप रोज में पहन सकते हैं। बहुत अच्छे हैं पक्का ना। मेरे छोटे छोटे हैं, छोटे अच्छे लगते हैं। मैं नहीं थी, मेरे गिफ्ट लेकर रखा तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह हमेशा आपको अच्छा रखे, अच्छी डिजाइन भी अच्छी है, पहन लेना। हाँ पहन लेना, इसे आप रोज में पहन सकते, इसलिए कम्फर्टेबली लिया। शाम को दिखा, हाँ देखे अच्छे पहन लेंगे। सो रहा है कितने अच्छे से। गुलाब की टोपी से पहनी तो आज मैंने हिम्मत करके टोपी बनाई है। बड़ा होता था बहुत टोपी, ये डरवाता है टोपी। हां हां मैं हिम्मत ये भी शायद ये भी पहन ले। हां अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आते हैं आते हैं। या कौन सा वाला वाटर स्विमिंग पूल, हां छोटा इन्फ्लेटेबल पूल कर देंगे तेरे लिए। ओके You like my glitter and sparkles? Mm. You like sparkles? Yeah. I like your sparkles. तो आज लंबा टाइम निकाल के मैं आई थी, ऑलमोस्ट पूरा दिन, बहुत दिनों बाद मलिहा के पास। और इसे भी आज रूहान में बहुत ज्यादा चेंज दिखाई दे रहा है ना, बिकॉज हम इससे पहले जब आए थे तो बहुत छोटू था। बहुत बड़ा लग रहा है अचानक से। सो चलो पेडीक्योर ऑलमोस्ट डन, मैनीक्योर ऑलमोस्ट डन, हेयर स्पा ऑलमोस्ट डन। थैंक यू। सो ऑल डन हो गया है आज मेरा स्पा, मैनीक्योर पेडीक्योर सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। और अब हम रेडी टू गो, चले चलो कम लेट्स गो। बोलो तो घर जाते जाते रुक गए हम यहाँ पे तुषार के सलोन पे क्योंकि शोएब यहाँ आए हुए हैं। हाँ जी बाल थोड़े से ज्यादा बढ़ गए हैं, थोड़े से अजीब हो गए, कलर बहुत लाइट हो गया है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको पीसिंग बना लेते हैं। और ये भी यहाँ है और आज ये भी यहाँ है, इसी बहाने इसने आज रूहान से मुलाकात कर ली है ना, पहली बार मिल लिया, खेल भी लिया खूब चाची के साथ। सुबह वाली नैप। सो ये अभी अपनी सुबह वाली पहली नैप ले रहा है। ये यूजुअली सुबह 7:30 के आसपास उठता है, लाइक उठ जाता है,
देन आई पुट हिम इन हिज क्रिब. मैं इसका डाइपर वाइपर चेंज करती हूँ, इसको अच्छे से वाइप वाइप करती हूँ. उसके बाद ही प्लेज, उसमें वो फुल एनर्जी में होता है, खूब खेलता है खूब खेलता है. देन थकने के बाद देन ही अराउंड 15-20 मिनट्स फिर अच्छी से अपनी फीड लेता है और उसके बाद दोबारा से सो जाता है फॉर अराउंड एन आवर, आवर एंड हाफ. ये इसका शेड्यूल है. एंड जैसे ही उठता है वैसे ही मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ, मम्मी मेरी चाय ले आओ. तो मीनवाइल जब तक ये सो रहा होता है, अपनी पहली नैप ले रहा होता है, तब तक मैं अपना चाय वाय पी लेती हूँ, सब कुछ आता है. पिछले व्लॉग में जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसको रैश हुआ है, आप लोगों ने बहुत सारी टिप्स दी हैं, सो थैंक यू सो मच. आई एम श्योर मुझे वो टिप्स डेफिनेटली काम आएंगी जब कभी अगर इसे डाइपर रैश हुआ तो. अभी फ़िलहाल तो इसे नहीं होता. पहले जब कभी छोटे में जब भी हुआ है तो मैंने क्या कहते हैं सेबामेट की रैश क्रीम यूज़ की है और मुझे वो बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत बहुत बढ़िया लगी. इस वक्त जो इसे रैश हुआ था, जो दिवाली के दिन भी हो गया था एंड अभी भी रिपीट हुआ, दैट्स लाइक हिज स्किन टर्न्स अ लिटिल रेड एंड हार्ड. तो वो जैसे रिस्ट पे हो गया था, एल्बो के पास हो गया, पैर के नीचे हो गया, सो ऐसे दो तीन जगह पे. तो वो जब मैंने डॉक्टर को फोटो भेजी थी तो इट ही हैज़ गिवन प्रिस्क्राइब्ड अ मेडिसिन विच वॉज लाइक लैक्टो, जो मार्केट में हमको बहुत आसानी से मिलती है, मेडिकेटेड वर्जन ऑफ वो लोशन प्रिस्क्राइब किया था. तो वो मैंने यूज़ किया, उससे वो ठीक हो गया. सो दैट इज़ दैट. एंड जो मैं इसकी स्किन का आई थिंक थोड़ा सेंसिटिव इशू है, बिल्कुल मुझ पर गई है इसकी स्किन आई थिंक, क्योंकि मैंने रूहान के साथ सबसे पहले फॉरेस्ट एसेंशियल ट्राई किया, उसको नहीं सूट हुआ. देन आई ट्राइड सेबामेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सेबामेट है सूटेड हिम अ लॉट, लेकिन इसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया. तो उन्होंने कहा कि मैं बॉडी वॉश और शैम्पू सेबामेट का कंटिन्यू कर सकती हूँ, एब्सोल्यूटली नो ऑयल अलाउड फॉर रूहान. मैं मतलब कोई भी ऑयल नहीं यूज़ कर सकती, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया. ये तो मुझे हर डॉक्टर ने मना किया है. तो अब मैं क्या करती हूँ, दिन में दो बार इसकी मालिश करती हूँ, लेकिन मैं मॉइस्चराइज़र से ही इसकी मालिश कर देती हूँ. अभी राइट नाउ आई एम यूजिंग सेबामेट वॉश एंड शैम्पू फॉर हिम एंड आई एम यूजिंग अ मॉइस्चराइज़र कॉल्ड अटोगला. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं इस बारे में, क्योंकि मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना था. बट द रीज़न मैं आज इस बारे में बात कर रही हूँ इज़ बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है अटोगला इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर बेबीज़, फॉर न्यू बॉर्न बेबीज़. फेस पे तो मैं इसको शुरू से अटोगला यूज़ करी, क्योंकि मुझे आरती ने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि दिप्पी हमने वो आना के लिए यूज़ किया था एंड इट रियली वर्क फॉर, प्लीज़ एक बार तुम ट्राई करना. तो जब मैंने ट्राई किया तो उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है एंड रूहान का स्किन बहुत अच्छा होता चला गया फेस पे. तो इसीलिए आई कंटिन्यूड अटोगला. एंड उस दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बोला अच्छा फेस पे क्या लगाते हो, मैं बोला अटोगला, तो उन्होंने बोला तो बॉडी पे क्यों नहीं लगाते. तो मतलब इट इज़ अ गुड क्रीम दैट यू कैन यूज़ फॉर योर बेबीज, इट्स जस्ट दैट यू हैव नॉट हर्ड, इट्स नॉट दैट हर्ड ऑफ काइंड ऑफ अ थिंग. तो अभी मैं दिन में एक बार अटोगला मॉइस्चराइज़र बॉडी पे भी लगाती हूँ, फेस पे तो सिर्फ वही लगाती हूँ, और एक बार मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो है बायोडर्मा का एक मॉइस्चराइज़र दिया है वो लगाती हूँ. तो अभी इसकी स्किन भी बिल्कुल ठीक होती जा रही है, मतलब बॉडी पे ना ऐसे वाइट वाइट थोड़े से दाने आ गए थे बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम सेंसिटिविटी, तो वो भी ठीक हो गई है. एंड जो रैश आया था, डॉक्टर ने जो दवाई बताई उससे ठीक हो गया है. सो दैट इज़ दैट. लेकिन हाँ, मैंने सोचा कि मैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँ बिकॉज मैं ये रूहान पे यूज़ किया है, मुझे पता है कि इनकी रिजल्ट्स जो है वो अच्छे. ये व्लॉग पता नहीं पिछले कितने दिनों से चल रहा है, आई थिंक 4 दिन का टूट टूट के है. जिस दिन जितना टाइम मिला उतना मैंने शूट किया, क्योंकि बहुत बिजी भी हूँ, बहुत कुछ काम चला था इसीलिए. सो आज मैंने सोचा फाइनली ये व्लॉग यहीं मैं एंड करती हूँ. आज मैं जा रही हूँ शोएब के पास उनकी रिहर्सल्स पे, एवं देखने के लिए थोड़ा, और किसी से मिलना है, वहाँ पे कुछ काम भी है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ. सो उससे पहले ये व्लॉग मैं आज यहीं खत्म कर रही हूँ. अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड येस, ट्राई करना मत भूलिएगा. परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, गेट योर प्रोडक्ट्स एंड येस यूज माई कोड दीपिका 20 एंड फ्लैट 20% डिस्काउंट आपका है. सो डू ट्राई इट आउट.